ये पत्ते जो दरख्तों से बिखर जाते हैं, किसे फुर्सत है जो देखे किधर जाते हैं। जीना मुश्किल है तो सीने में पत्थर रख लो, लोग एहसास की शिद्दत से भी मर जाते हैं। अच्छा, सारा ही मिर्च मसाला झोंक दिया पैनी साहिबा ने। छापने वाले ने भी गजब किया, मनोहन छाप दिया। अब देखना कैसा तूफान बर्पा होता है। अरे शहरयार मियां, ये आके पढ़िए जरा। क्या हो गया? अरे पैनी साहिबा का ब्लॉग छपा है। ये देख। ये क्या? मैं अपने शौहर की दौलत पर ऐश करने वाली बेगम साहिबा शुमार की गई। यही मेरी शनाख्त, मेरा तारुफ और मेरी पहचान बनी। और जब मैंने अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश की तो यही पहचान मेरी दुश्मन बन गई। इससे पहले कि जिंदगी की कठिन माहौल में हम किसी और रास्ते आपाकी साहेब, क्या तहरीर है, क्या तीखी मिर्च है, क्या मसाला है। जुल्फकार साहब को तो मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। वो तो बाद में छुपाएंगे, पहले ये कमेंट्स तो पढ़िए जो नीचे आ रहे हैं। अरे कमेंट्स छोड़िए, व्यूज देखिए। टुच्ची सी वेबसाइट है, टुच्ची सी, किसी को पता भी नहीं होगा, कोई देखता भी नहीं होगा। और दो घंटे हुए ये लॉग अपलोड किए हुए और व्यूज चेक करें, ये देख। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत किया है, ऐसा कौन करता है। घर की बातें कौन लिखता है। पैनी, हमारी वफा की देवी मिस पेनालिपी। भयानक, बहुत भयानक। क्यों भाई, क्यों भयानक? मर्द लिखे तो यादों की बारात, और अगर औरत लिखे तो भयानक। अरे ये तो पहला ब्लॉग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आग, आतिश, तूफान। ये बड़े मुझे तो पहले से इंतजार था।